हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी के जहान में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेमेडी है जिनके मसूड़ों में दर्द रहता है, मसूड़े ढीले पड़ चुके हैं, मसूड़ों से खून आने लगा है जिसके कारण मुँह में बहुत स्मेल बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ऐसा क्या करें जिससे आपके मसूड़े भी टाइट हो जाएं, उनसे खून आना भी बंद हो जाए और वो उनके मजबूती के लिए और आपके दांत भी चमकदार हो जाएं, और अगर आपके दांतों में पायरा लग चुका है तो वो भी हट जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज एक होम रेमेडी बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप इन सभी समस्याओं से निजात पा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाहिए सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट को, फिटकरी चाय और हल्दी और मस्टर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंधा नमक, फिटकरी और हल्दी को बिल्कुल मुलायम पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर जैसा आपको पीसना है। उसके जब वो बिल्कुल बारीक पीस जाए तो जब भी आप दांतों को या मसूड़ों के उससे आपको मसाज करनी है, मसाज के टाइम पे आप उसमें 2 बूंद सरसों के तेल की ऐड करें और उसके बाद अपने मसूड़ों की मसाज करें। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके मसूड़े भी टाइट हो जाएंगे, खून आना बंद हो जाएगा, आपके दांत स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप अपने मसूड़ों को टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।